संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के निधन पर भारत की तरफ से गहरा शोक जताया गया। यूएई में रहने वाले भारतीय हिंदू समाज ने राष्ट्रपति की आत्मा की शांति के लिए अबू धाबी मंदिर में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसे लेकर यूएई के लोग भारतीयों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वो भारतीयों के इस पहल के मुरीद हो गए हैं। यूएई के जाने माने अरबपति हसन साजवानी ने प्रार्थना सभा का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उनके दिवंगत राष्ट्रपति के लिए भारतीयों के इस प्यार को वो कभी नहीं भूलेंगे। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए हसन साजवानी ने लिखा, हमारे दिवंगत पिता शेख खलीफा के सम्मान में अबू धाबी मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हमारे हिंदू समुदाय के लोगों का तहे दिल से आभार। इस प्रार्थना सभा में पूजा के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे। प्रार्थना सभा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल दिख रहे हैं। भजन कीर्तन के बाद शेख खलीफा की याद में स्वामी ब्रह्मा बिहारी दास सभा में कह रहे हैं कि आज हम सभी एक ऐसे शख्स को ट्रिब्यूट देने के लिए जमा हुए हैं जिनका जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहा। वो आगे कहते हैं, शेख खलीफा ने इस देश का नेतृत्व किया और एक ऐसा देश बनाया जहां हम सबकी जिंदगियां और बेहतर होती गईं। वो अक्सर कहा करते थे कि यूएई की सफलता का मानक उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं या उत्पाद नहीं, बल्कि यहां के लोगों का जीवन स्तर और आपसी सौहार्द है। हसन साजवानी ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि अबू धाबी मंदिर में हमारे दिवंगत शेख खलीफा की याद में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान स्वामी ब्रह्म बिहारी दास की अच्छी बातों को सुना, शुक्रिया स्वामी जी। 73 वर्षीय यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा का निधन बीते शुक्रवार को हुआ। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक संदेश भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर कहा था कि वो एक महान और दूरदर्शी नेता थे जिनके कार्यकाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। उनके सम्मान में भारत ने एक दिन का राजकीय शोक भी रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।